नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा सादात में परिवार को बंधक बनाकर की गई लाखों रुपए की डकैती के मामले में बृहस्पतिवार को पूर्व राज्य मंत्री राजपाल सैनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जानकारी ली और ककरोली पुलिस से मामले में जल्द खुलासे की मांग की। रविवार की रात्रि गांव बेहड़ा सादात निवासी होमगार्ड रोहताश के घर पर आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने उसकी पत्नी धर्मवीरी और पुत्रवधु सपना व 3 वर्षीय पोती वाणी को एक कमरे में बंद करके लाखों रुपए के जेवर नकदी की डकैती कर ली थी। बृहस्पतिवार को पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री राजपाल सैनी ने घटना पर रोष प्रकट किया और थाना अध्यक्ष को फोन करके डकैती की घटना का जल्द खुलासा करके दोषियों को जेल भेजने की बात कही। इस दौरान समाज सेवी अमली खान, परविंद्र पाल, रणवीर चेयरमैन, सतीश, अनिल आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।